हमारे बचपन में संडे मटन बनना एक रिचुअल था। लंच में प्लेन राइस के साथ गर्मा गर्म मटन करी और हम बैठ के प्रेशर कुकर के विसल गिनते थे कि इतने विसल के बाद हमें लंच मिलेगा। नमस्कार, टेबल ट्रीट विद सीतापा में आज मैं बनाऊंगी वही नॉस्टैल्जिक संडे वाला मटन करी। प्रेशर कुकर में 4 बड़े चम्मच ऑयल डालना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से गर्म करके कुछ खड़े मसाले मिलाएंगे, जिसमें साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची, लौंग। इसको सौते कर लेंगे और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए फिर हमें इसमें प्याज डालना है। मैंने एक बहुत बड़ा साइज़ का प्याज लिया है। अगर बड़ा साइज़ आपके पास नहीं होगा तो आप 2 मीडियम साइज़ लीजिए या 4 छोटे साइज़ का प्याज लेना है। और प्याज को बहुत अच्छी तरह से लाल करके भून लेना है हमें। प्याज अच्छी तरह भुन जाए फिर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाना है और उसको भी बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। फिर डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, जिसमें लाल मिर्च स्वादानुसार, हल्दी 1 टीस्पून और नमक स्वादानुसार। मसाले को भी 2-3 मिनट तक भून के फिर हमें इसमें एक बड़ा साइज का टमेटो डालना है। टमेटो को लो हीट में 5-7 मिनट तक कवर करके पकाना है। अब हम इसमें आलू मिलाएंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, पर अगर आप आलू डालते हैं ना, तो अगर छोटे साइज़ का आलू ले रहे हैं तो उसको साबुत डालिए, और अगर बहुत बड़ा साइज़ का आलू है तो उसको 1/2 कर लीजिएगा। अगर आप बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे आलू का, तो मटन के साथ वो बहुत देर तक पक के बिल्कुल मिल जाएगा ग्रेवी के साथ, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद हम मटन मिलाएंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से पूरे मसाले के साथ भूनेंगे। अब मटन को भी लो हीट में ढक के 10 मिनट तक पकाना है, ये देखने के लिए कि मटन से कितना पानी निकलता है। पर ये वाले मटन से तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकला, तो उस हिसाब से हमें पानी डालना होगा। इस स्टेज में हमें 1 टीस्पून गरम मसाला मिलाना है और 1 साबुत लहसुन डाल देना है। इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है मटन करी से। फिर आप पानी डाल दीजिए, और इतना पानी हमें डालना है ताकि ये जो मटन है और आलू है वो ऑलमोस्ट डूब जाए। अब हम इसका लिड लगा के पहले 2 विसल हाई हीट में देना है, फिर 25-30 मिनट्स तक लो हीट में इसको पकाना है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर मटन। 25 मिनट्स तक लो हीट में पकाने के बाद ये वाला मटन बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसको गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय कीजिए।